Assalamualaikum, everyone. How are you? अच्छा, आज के हम लेक्चर में प्रोग्रेस बार को यूज करना सीखेंगे. प्रोग्रेस बार आपको पता है, यूजली आप जब कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके साथ एक प्रोग्रेस बार सी होती है जो आप बता रही होती है कि आपकी कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है इंस्टॉलेशन की. आप 50% पे हैं, 40% पे हैं या 60% पे हैं. तो इधर हम क्या करेंगे कि हमने एक प्रोजेक्ट पहले से बनाया हुआ है, हम टूल बॉक्स में आएंगे और यहाँ से प्रोग्रेस बार को उठा के इधर ले आए. अच्छा, प्रोग्रेस बार के स्टाइल्स होते हैं, कुछ तीन किस्म के स्टाइल्स होते हैं. कॉन्टीन्यूस है, ब्लॉक्स है और मार्की है. मार्की क्या है कि वो आप रेगुलरली जो ना वो एक मूव हो रहा होता है, उसमें एक ग्रीन सा बार जिससे आपको पता लग रहा होता है कि कोई काम हो गया है. प्रोग्रेस बार की जरूरत यह है ना, अगर आपने फर्ज करें कोई डाटा लोड कर रहे हैं आप, हो सकता है उसमें एक मिनट लगे, हो सकता है उसमें एक सेकंड लगे या 30 सेकंड. अब जो यूजर बैठा हुआ है उसको तो नहीं पता कि मैंने अब बटन क्लिक किया है तो पीछे को काम हो रहा है नहीं हो रहा. तो अगर आपका कोई काम है जो लेंथी है, जो फर्ज करें 10 सेकंड लेता है या 20 सेकंड लेता है, तो बेहतर यह है कि जब वो यूजर उस बटन को क्लिक करे तो उस काम करने से पहले आप उसको एक प्रोग्रेस बार शो कर देंगे. हाँ जी, आप इस टाइम 0% पे हैं, 10% पे हैं, 20% पे. ठीक है, तो प्रोग्रेस बार हमने यहाँ से टूल बॉक्स में से डाल ली और इसको हम इसकी प्रॉपर्टीज में आए और इसके हम क्या प्रोग्रेस बार का स्टाइल है ब्लॉक्स. ब्लॉक्स हैं कि वो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, वो आप उसमें उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे उसकी वैल्यू, तो उतने ब्लॉक्स पढ़ते जाएंगे. मतलब फर्ज करें अगर आपने पूरे आपके प्रोग्रेस बार में 10 ब्लॉक्स आते हैं या 100 ब्लॉक्स आते हैं, तो अगर आप 10% पे हैं तो उसकी वैल्यू आप 10 कर देते हो. जिस हम फर्ज करें अब ये इसकी स्टाइल है ब्लॉक्स और इनसे मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 10. तो अब ये देखें क्या हुआ कि ये प्रोग्रेस बार 10% पे आ गई है, या इधर से मैं 20 करता हूँ तो ये इस पे आ गई 20% पे आ गई, और अगर 50 करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट हाफ पे आ जाएगी. ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये अब ये डायरेक्ट ही यही चीज आप प्रोग्रामिंग से बिगाड़ सकते हैं. फर्ज करें अगर आपने एक बटन डाला हुआ है, कोई काम कर रहे हैं, तो अभी इसकी हम वैल्यू इसकी अभी हम 0 कर देते हैं. वैल्यू हमने कर दी 0. अब मैं इधर एक बटन डालता हूँ और इसके ऊपर मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ स्टार्ट. और इसका नाम मैं कर देता हूँ BTN स्टार्ट और प्रोग्रेस बार टेस्ट. इसका नाम रख देता हूँ प्रोग्रेस बार टेस्ट. ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँ तो इसकी जो ना वैल्यू बढ़ा दे. ठीक है, तो फर्ज करें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डबल क्लिक किया तो इसने क्या कर दिया, इसको हैंडल कर लिया, हैंडल का इवेंट उसने बना दिया. अब मैं चाह रहा हूँ कि प्रोग्रेस बार ये जो भी हमने बनाया कि प्रोग्रेस बार टेस्ट डॉट वैल्यू, अभी हमें इस पे इसको आप सेट करेंगे तो ये बता रहा है कि प्रॉपर्टी गेट्स और सेट्स द करंट पोजिशन ऑफ द प्रोग्रेस बार इंटीजर. इसको चाहिए एज इंटीजर हैंड लिखा हुआ, हम उसको एक इंटीजर वैल्यू देंगे 10. अब मैं जब इसको रन करता हूं तो ये देखें इसने उसको 10 पे लिया है, लेकिन अब मैं जिन दफा भी क्लिक करूंगा उसको हमेशा उतनी दफा 10 कर दे. तो जब आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने अगर आपने आधा कर लिया है तो आप क्या करें, प्रोग्रेस की वैल्यू को आप 50 पे ले आए, फिर जब थोड़ा सा और कर दिया तो 60 पे ले आए, जब एंड पे आ जाए तो 90, फिर पूरा कंप्लीट हो जाए तो 100. इसी तरह आप अपने टास्क के दरमियान, ये यूजली बैकग्राउंड प्रोसेस में होता है, वो जब हम पढ़ेंगे तो मैं इसको दोबारा इसको यूज़ करना बताऊँगा, लेकिन अभी हम मैं आपको बता देता हूँ कि इसको यूज़ करने क्या देंगे. अभी हमने क्या किया कि हमने इसकी वैल्यू 10. अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जितनी दफा भी क्लिक करूँगा ना तो इसकी वैल्यू को मैं 10 ऐड करता जाए,
तो मैं क्या करूंगा कि इस इक्वल साइन के पीछे प्लस का साइन डाल देता हूँ। तो अब क्या है कि जो उस टाइम उसकी करंट वैल्यू है ना, उसमें 10 और ऐड कर इसी तो मैं क्लिक करूंगा। तो अब इसको अब मैं क्या करता हूँ कि एक दफा क्लिक किया तो ये आ गया, दूसरी दफा क्लिक किया तो उसकी जो उस टाइम करंट वैल्यू है ना उसमें प्लस 10 कर देगा। प्लस इज इक्वल टू 10 का मकसद क्या है कि इस टाइम जो भी वैल्यू है उसमें उस 10 और ऐड करता जाएगा। लेकिन अगर आप सिंपल एक इक्वल डालेंगे तो वो उसको हमेशा 10 ही करेगा, ऐड नहीं करेगा। फिर एक दफा क्लिक किया, फिर एक दफा क्लिक किया, फिर तो ये आपकी। अच्छा अब ये देखें, जब आप इसको 100 से ऊपर करें, क्योंकि मैक्सिमम ये वैल्यू 100 रिसीव कर सकते हैं, तो आपको ये चेक भी लगाना पड़ेगा, इफ प्रोग्रेस बार टेस्ट डॉट वैल्यू इज लेस देन 100, उसकी वैल्यू लेस देन 100 है, देन आप उसको यहाँ से, तो ताकि आपका एरर ना आए, क्योंकि अगर आप इसको 1 या 10 100 10 देंगे ना तो आपको एरर दे देगा कि 100 से ऊपर तो ये वैल्यू रिसीव ही नहीं करता। ठीक है, अब आप अगर जब तक वो 100 से नीचे है उसकी वैल्यू को वो 10 10 ऐड करते जाए। ठीक है, अब इससे इससे आगे वो उसको नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि ये पूरा 100 में कंप्लीट कर। ठीक है जी। अच्छा इसमें एक और की होता है कि इसका हम स्टाइल चेंज करते हैं, प्रोग्रेस बार का मार्की। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, अब ये देखें ये ऑटोमेट, ये मैंने स्टार्ट पे मार्की का मतलब है कि वो चलता रहेगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ये डिपेंडिंग ऑन द किस किस्म का टास्क होगा, कुछ टास्क में आपको ये नहीं पता कि मेरा आप प्रोग्रेस को कंट्रोल नहीं कर रहे, आपने वो टास्क किसी और प्रोसेस को दिया हुआ है वो कंप्लीट कर रहे, आपको नहीं पता वो कितनी देर में हो जाए, एक अब हो सकता है 1 मिनट में हो जाए, हो सकता है 10 मिनट में हो जाए, तो आप वो उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर नहीं कर रहे, तो आप उसको एक कंटिन्यूस दे देते हैं, हाँ जी काम हो रहा है, जब हो जाएगा तो ये, और यूजर को, यूजर ठीक है, यूजर को जो यूजर एक कंटिन्यूअसली एक बात चल रही है, ठीक है जी वो उसको पता है, ठीक है मैंने बैठ जाना, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये मुझे बता दें। ठीक है,